गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गाइस, सो इट्स डे टू एट गणपति पुले और अभी अभी नींद से उठे हैं, काफी सोई मैं, पूरा नींद कल हम दोनों ने पूरा रेस्ट अपना मेरा तो किया। रात में ड्राइव हुआ था इसलिए आई कुड नॉट डू एनीथिंग, सो मुझे सोना ही था, बट शो होगा था तो पूरा वीक का सोना खत्म करना था, तो इसलिए और अभी रूम में हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया है एंड गाइस इट्स लाइक आपको अगर ये नहीं दिखाया नहीं ना तो ये मतलब इट वोंट बी जस्टिस टू द ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, बेसिकली लंच है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जरा इन लोगों ने इतना सारा ब्रेकफास्ट भेजा है क्योंकि बुफे बंद है तो रूम सर्विस में सब कुछ सब भेज दिया है एंड आई डोंट थिंक सो ये पूरा हम लोग शायद पूरे दिन भी खत्म कर पाए, बट लंच तो गया ही। वी हैड प्लान कि लंच में हम लोग बाहर जाने वाले हैं, यहाँ पे एक MTTC का रिजॉर्ट है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है सुना है, बट वो तो आई डोंट थिंक सो वो हो पाएगा अभी। तो आप पहले ब्रेकफास्ट देखें फिर आपको आगे की बात बताते। This is the entire breakfast और अभी इसके साथ और नहीं, पहले ये आपको दिखा देते हैं उसके बाद हम बाकी दिखाएंगे क्योंकि ये प्लेट्स में नहीं आएगा। ये क्या है पहले हम देखते हैं। This is the idli। हाँ तो दोनों के लिए I think they have sent two plates of idli। This is idli over here also। This is masala omelet। ये भी मसाला ऑमलेट ही होगा। ये भी मसाला ऑमलेट है। एक अभिजीत का विद एग वाइट्स, वो इडली है। ये भी इडली है, मतलब ये दो। दिस इज कट फ्रूट्स अगेन फॉर बोथ ऑफ अस। दिस इज ब्रेड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, ब्रेड है। टोस्ट है। अच्छा, आपको देयर इज जूस, देयर इज टी एंड देयर इज पूरी भाजी आल्सो जो कि टेबल पे फिट नहीं हुआ। दिस इज सांबर। हाँ वो सब सही है, वो तो इडली के साथ एकॉम्पनीमेंट्स है। और पूरी एक बार साइड थोड़ा सा खोलो बिकॉज ये हम लोग वापस करने वाले हैं। वापस करने वाले हैं। ये लाइक पूरे मोहल्ले के लिए भेजा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। एटलीस्ट इसमें 15-20 पूरियाँ होंगी जरूर। तो गाइज देख रहे हैं आप, मतलब ये पूरा किंग्स ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं बिल्कुल वैसा। और पीछे प्लीज डोंट माइंड, रूम काफी मेस्ड अप है तो क्योंकि अभी तक रूम सब हाउसकीपिंग को बुलाया नहीं है, हम रूम में ही बैठे हैं। हमने सोचा था कि दोपहर को, जैसे मैं बता रही थी, जो MTTC का रिजॉर्ट है गणपतिपुले में, उसका खाना बहुत ही फेमस है, सुना है बहुत ही अच्छा खाना है वहाँ पे। और हमारे होटल से 3-4 किलोमीटर दूर है तो हमने सोचा था लंच में आज वहाँ पे जाके खाना खाएंगे और फिर वो मंदिर भी उधर से पास ही है तो सब कुछ साथ में ही हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी बोलिए, ये ब्रेकफास्ट के बाद, लेट मी स्टार्ट विथ माई जूस फर्स्ट, लंच ना हो पाएगा। इनफैक्ट शायद ये पूरा खाना कंप्लीट भी ना हो पाए। तो जो भी है अभी खाना खाते हैं, फ्रेश होएंगे, विल टेक अ शावर एंड देन विल एक्सप्लोर, विल गो आउट, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज। होप यू एंजॉय एज ऑलवेज, स्टिक अराउंड। गोइंग नाउ टूवर्ड्स द बीच, जो प्राइवेट बीच है होटल के, अभी उस तरफ जा रहे हैं और ये पीछे आप देख सकते हैं कितना इट्स सो वास्ट, दिस एंटायर रिजॉर्ट इतना बड़ा है और मतलब दैट इज़ द वे टू द बीच, द प्राइवेट बीच। और यहाँ पे एक पूल भी है, स्विमिंग पूल, जो कि अभी बंद है, रियली सैड, बट क्या कर सकते हैं, अभी काम साफ सफाई कर रहे हैं ये लोग, तो सीधा सामने साफ कर रहे हैं। हाँ साफ सफाई कर रहे हैं। Yes, they're cleaning the pool. That बहुत is बड़ा the pool, the swimming pool. काम चल रहा है। I think कुछ दिनों बाद शायद permissions मिल जाएंगे pool open होने के लिए। तो हम अभी सीधा beach पे जा रहे हैं। So guys, that is the private beach of the resort, and this entire area is the resort area. तो बेसिकली वो जो गेट दिख रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे, दैट इज़ द रोड, अक्रॉस द रोड इज़ द अदर पार्ट ऑफ द रिजॉर्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं एंड दिस इज़ एंटायरली द लॉन। देयर इज़ अ स्पा ओवर देयर विच आई कैन सी, दैट इज़ नॉट फंक्शनल राइट नाउ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। एंड यहाँ पे ये गजीबो स्टाइल सीटिंग एरियाज बैठे बनाए हुए हैं। दिस बंगलो बिलोंग्स टू द ओनर अपेरेंटली ऑफ द रिजॉर्ट। ये भी अभी बंद है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, अमेजिंग।
in-house designer studio kind of a place also, वो कि अभी बंद है of course because of the pandemic. You can see inside there are lovely clothes and all vacation wear basically, hats and bags. And guys, अगर आपको लग रहा है हम क्यों मास्क नहीं पहने, क्योंकि कोई भी नहीं है. पीछे एक जन स्टाफ आ रहे हैं, but that is all. So अभी भी वापस आए बीच से एंड वी आर आस्क द हाउसकीपिंग टू क्लीन द विला, क्योंकि कल हालत बहुत ही ख़राब थी इसलिए आप लोग को रूम टूर नहीं दे पाए. अभी मैं आपको रूम टूर देने वाली हूँ, सो जस्ट वॉच इट. आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द विला एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दिस इज़ आर विला, विला नंबर 20 एंड अभिजीत इज़ ओपनिंग द डोर. This is the entrance. थोड़ी lighting कम है, so this is where our luggage is, and this is the cupboard. That's the cupboard. That's the mini fridge down there. There is the tea coffee setup. That is the TV. नीचे एक और छोटा cupboard. वहाँ पे एक study table. There's a nice sitting chair. There is a good couch over here. That's the bed. Beautiful wallpaper on the wall. That side is the washroom, which is also pretty big. It's actually हाँ बहुत अंधेरा है गाइस इस रूम के अंदर क्योंकि बहुत कम लाइटिंग है, but that is huge. The washroom, the full length mirror over here, and that is the favorite area. That is our attached backyard. So यहाँ पे एक grasshopper भी सुबह से ये दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है एंड दिस इज द सीटिंग एरिया. लवली सन राइट ओवर देयर, यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू सेट एंड दैट इज इट. सो तो अभी हम निकल रहे हैं फॉर द गणपतिपुले मेन बीच एंड द मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस गणपति मंदिर है. यहाँ से अपने होटल से दिखा रहा है ऑलमोस्ट 6 kilometers ना, almost 6 kilometers. So we're going to take maybe 15-20 minutes. तो देखते हैं वहाँ पे कैसा beach है and how's the मंदिर. So guys, this is the MTDC resort गणपतिपुले, right next to the beach. हमें तो booking के लिए यहाँ पे मिला नहीं. Actually we didn't even try. So we've come here because restaurant बहुत अच्छा है सुना है. तो चलते हैं अंदर. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तरंग, देयर इज अ रेस्टोरेंट ओवर हियर, हर्ड इट्स वेरी गुड. तो अभी हम यहाँ से कुछ खाना वाना पैक करेंगे क्योंकि हमारे होटल में खाना मिल रहा है बट दे आर स्पेशलाइज्ड इन चाइनीज. चाइनीज खा खा के पक गए. कल पूरा दिन चाइनीज ही खाया था. तो अभी देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छा सा डिनर अगर मिलता है, कुछ लोकल क्विजीन, फिश एंड ऑल दैट. बहुत मन कर रहा है फिश खाने का, क्रेविंग हो रहा है दोनों का. तो देखते हैं अगर कुछ फिश कुछ मिलता है तो यहाँ से पिकअप करेंगे फॉर डिनर. तो हमारे साथ एज यूजुअल एक और ट्रेजेडी हो गई. अभिजीत बताएगा क्योंकि उसके अरमान पूरे पानी में पूरे धुल गए. जैसे कि यार कोई अगर सी साइड में आता है तो उसको लगता है कि कोई सी फूड खाते हैं, राइट? सबको ही लगता है. कुछ गलत हो तो कमेंट कर लीजिएगा. तो हमने सोचा थोड़ा प्रॉन करी या फिश करी राइस खाएंगे रात को, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में तो सिर्फ चाइनीज़ ही मिलता है हमारे होटल के रेस्टोरेंट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट. तो मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ से एटलीस्ट कुछ लेके जाएंगे, जाके आराम से खाएंगे. यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है, ओनली वेज एंड चिकन राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. अदरवाइज सब कुछ मिलता है, बट अभी वहाँ पे जो एक लिमिटेड मेन्यू है उसमें सिर्फ चिकन एंड वेज मिल रहा है, जो वो भी अभी नहीं मिलेगा, वो शाम को 7:30 बजे के बाद. और तब भी अगर हम अभी अंदर गए तो आपको दिखाया नहीं, हमें डर लगा कि वो बंद बंद तो नहीं है. हम जाके चिल्ला रहे भाई कोई है कि कोई है, नोबडी इज देयर. देखो बाहर आ गए फिर आके कोई बोलता है हाँ मैं हूँ, वो फिर अंदर चला गया. मतलब और मेंटेनेंस का काम चल रहा है पूरे MTDC रिजॉर्ट में, तो पूरा खाली, मतलब कुछ भी नहीं है. तो फिलहाल जो भी है होता है. तो अभी हम तो जा अभी रहे हैं. हम ये गणपतिपुले मंदिर जो कि मेन मंदिर है पीछे देख सकते हैं, दैट इज द एंट्रेंस, वहाँ पे जा रहे हैं. चलिए पता नहीं अभी वहाँ पे अंदर और राइट साइड में ही बीच है, मतलब वहीं से आप बीच भी जा सकते हैं. हाँ तो थोड़ा मेन तो बीच है मंदिर में. अंदर रिकॉर्डिंग करने देंगे कि नहीं पता नहीं, चलिए देखते हैं. तो ये मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ से राइट से जो रास्ता जाता है दैट इज टुवर्ड्स द बीच. आपको भी देख सकते हैं एकदम ऑपोजिट, बीच के ऑपोजिट में ही मंदिर है. वाह फाइनली कुछ लोग दिखे बीच में,
इधर बीच है। आई थिंक लेट्स गो टू द बीच बिकॉज़ ओटा अंधकार हो जाएगा। मेन बीच गणपतिपुले, यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ लोग दिख रहे हैं एटलीस्ट, काफी लोग एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ी बहुत वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी खाली है। तो गाइस ये गेट मेन गेट बंद है, आप अगर देख सकते हैं यू कांट गो इनसाइड, बट आप वहां से कुछ प्रणाम कर सकते हैं। सो गाइज हम मेन रोड पे मेन दर्शन करने के लिए अंदर से तो नहीं आ पाए, लेकिन बाहर से किसी ने बताया हम देख सकते हैं। सो आपको भी हम दर्शन कराते हैं। ये है द मेन टेम्पल ऑफ गणपति पुले, और मंदिर बंद है, लेकिन यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं अगर चाहे तो। हाय गाइज गुड मॉर्निंग, राइट नाउ द टाइम इज 10:30 और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपको हम दिखाते हैं हम क्या खा रहे हैं फटाफट, अभी आधे एक घंटे में हम निकलने वाले हैं। एंड शी इज हैविंग फ्रूट्स। या अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी जस्ट शावर लिया है और ब्रेकफास्ट आ गया था, तो वी फिनिशिंग ऑफ विद द ब्रेकफास्ट क्विकली। काफी कुछ है आज ब्रेकफास्ट में, डिफरेंट मेन्यू अभी जी दिखाएगा, दिखाते हैं आपको। सो वी आर हैविंग मसाला डोसा एंड दिस इज चटनी सांबर एंड पोहा, हमने उसमें रखा है क्योंकि प्लेट में यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था। इट सर्व्ड इन अ वेरी नाइस बॉल एंड वी हैड फ्रूट्स, वी हैड वाटरमेलन जूस, चाय, कॉफी एंड ऑल्सो अंडा ऑमलेट एंड स्टफ लाइक दैट। सो बस अभी जस्ट जल्दी से खाने वाले हैं और खा के निकलने वाले हैं। Leaving now from the resort, luggage is packed. Now we are going towards the reception to check out. Or it's been a wonderful trip. बाद बाकी बातें गाड़ी में बैठ के आपसे करते हैं कि कैसा रहा in details about the entire trip. और हम route जो लेंगे अभी दूसरा route लेंगे वो भी आपको बताते हैं क्यों और क्यों ले रहे हैं। So guys, we finally reached home. It's around 10:30 it is now. बहुत ही tired हो गए, गंदा वाला tired. But Abhijit has something to show you guys. So this is what was waiting for us when we arrived. This is something we recently got, and all I can tell you is this is a new laptop that we have bought. Now I'll give a complete review of this particular laptop because this one. We wanted to buy not for editing and all the stuff, but we wanted to buy this laptop and we got it in a very good discount in this Flipkart sale. So I'll make a small video on this once this is set up. I think it's a very good laptop for the price it is selling, even without. That is going to come up in details in another video next, but for now आज के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं क्योंकि आई थिंक काफी लंबा हो गया और काफी exhausted भी हो गए हैं। बहुत excited थे इस ट्रिप के लिए बिकॉज इतने दिनों बाद ये ट्रिप में गए हैं एक लंबे ट्रिप पे, बट ऑल वी कैन से इज वी रियली एंजॉयड द एंटायर रिजॉर्ट स्टे। देर वर फ्यू प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, जैसे कि यू नो अभी क्योंकि वो नया नया खुला है आफ्टर दिस लॉकडाउन, तो पूरी तरह से मेंटेनेंस हो नहीं पाया है, उनके स्टाफ भी कम थे एंड ऑल दैट, बट जो भी है ओवरऑल इट वॉज अ ब्यूटिफुल रिजॉर्ट, ब्यूटिफुल लोकेशन। येस इफ यू नो वेदर वी वुड लाइक टू गो बैक और नॉट डिपेंड्स ऑफ कोर्स, बट व्हेन नॉर्मल टाइम में वो क्या कैसा रहता है। आई विल गिव यू अ स्मॉल थिंग, द मेन प्रॉब्लम ओवर देयर वाज नथिंग, एक तो इंटरनेट रूम में अवेलेबल नहीं था, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था एंड वाईफाई वाज गोइंग ऑफ एंड ऑन, दैट वाज वन प्रॉब्लम। सो यू टोटली कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। सेकंड थिंग इज दैट द फूड मेन्यू हैड लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शंस एंड द प्रॉब्लम इज दैट फ्रॉम दैट रिसोर्ट यू कांट गो आउट एंड ईट बिकॉज़ इट्स लाइक यू नो द
business No, like even that. in the main market, there were Yeah, very restaurants, few. the local restaurants were very few of them were Very few. operating क्योंकि कोविड है. अगेन वी द मेन अट्रैक्शन ऑफ गणपति पुले जिसके लिए लोग जाते हैं, द टेम्पल जो वो भी बंद था हमारा इस बार के विजिट में, तो वो भी हम अंदर से नहीं देख पाए. बाहर से देख पाए. बाहर से ऑब्वियसली दर्शन किया और लोकेशन भी देखा, तो जो भी है अभी इतना ही हो पाया यही बहुत है इस टाइम पे हमारे लिए. तो वी एन्जॉय द जर्नी, वी एन्जॉय द ड्राइव. होप आपने भी एन्जॉय किया हमारे साथ. अगर एन्जॉय किया है, इतनी दूर तक वीडियो देखा है, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा के वापस जाइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब. एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज़ वेल. यस, प्लीज डू दैट. इट रियली इनकरेजेस अस टू गो पुश आवरसेल्व्स मोर टू मेक बेटर वीडियोज एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल. देर आर मेनी मोर वीडियोज कमिंग अप, टेक वीडियोज, ट्रैवल वीडियोज, लाइफ स्टाइल वीडियोज. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. Guys, see you again till our next video.